फ्रेंड्स, साउंड सिस्टम में जो एम्पलीफायर होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनके लिए फ्लाइट केस बहुत ज़रूरी होता है। फ्लाइट केस होता है, उससे आपके एम्पलीफायर और स्पीकर की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर स्क्रेच नहीं पड़ते और काफ़ी सेफ्टी रहती है। कहीं भी आप उसे लेकर जाते हैं, ऑटो में या पिकअप में, 407 में, कहीं भी उसे ले जाना होता है, कैरी करना होता है, तो आपको काफ़ी दिक्कत आती है एम्पलीफायर के अगर फ्लाइट केस नहीं होता है। तो फ्लाइट केस को आप किस तरह से फिट कर पाएंगे अपने एम्पलीफायर पर, तो उसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप जब फ्लाइट केस लेके आते हैं, तो आपको इस तरह से ढक्कन ओपन करने के बाद आपको अंदर का ऑप्शन शो होता है, जिसमें आप देख पाते हैं काफ़ी सारी स्पेस होती है, और यहाँ पर आपको दो नट दिख रही है। इन नट में आपको अपने एम्पलीफायर को किस तरह से सेट कर पाएंगे, अगर अंदर रख पाएंगे इस फ्लाइट केस के अंदर, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। फ्लाइट केस में आपका एम्पलीफायर काफ़ी सुरक्षित रहता है और डैमेज होने से भी बच जाता है, और आपको कहीं भी उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी लाना ले जाना हो, तो उसमें भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसमें हैंडल के द्वारा आप काफ़ी आसानी से एम्पलीफायर को तोक पाते हैं और उठा पाते हैं, और आप इस लॉक के द्वारा भी देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी पकड़ मिल जाती है और काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। आपके जो महंगे महंगे एम्पलीफायर होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए फ्लाइट केस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसको आपको अंदर अगर सेट करना नहीं आता है, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने एम्पलीफायर को उसके अंदर सेट कर पाएंगे फ्लाइट केस के अंदर। तो ये आपको एम्पलीफायर शो हो रहा है प्रोटॉन का, जैसे RX 3000 का एम्पलीफायर है। इसे मैं आज आपको इसमें फ्लाइट केस में फिट करके बताऊँगा किस तरह से आप अपने एम्पलीफायर को फ्लाइट केस में फिट कर पाएंगे, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो ये आपको एम्पलीफायर के अंदर डालने के लिए आपको देख रहे हैं, जिस तरह से ये अपने को आगे की तरफ से डालना होगा, और ये जो वायर आपने लगा रखे हैं, आप चाहे तो इसे खोल सकते हैं, या इनको आप अपने जो आपके साथी है उनको बोल के पीछे की तरफ इसको खींच सकते हैं, और इसे अंदर धीरे से धकेल देंगे। धकेलने के बाद आपको ध्यान रखना है, आपने जो वायर पीछे फ्रेंड को पकड़ा है वो बाहर की तरफ निकल जाए, नीचे दबे नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आप चाहें तो एक से ज़्यादा एम्पलीफायर भी अपने फ्लाइट केस में डाल सकते हैं, अगर आपका फ्लाइट केस बड़ा है तो। यहाँ पर मैं सिंगल आपको बता रहा हूँ, तो ये इसमें एक ही फ्लाइट केस में एक ही एम्पलीफायर में लगा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी गैप दी हुई है, तो ये कुछ बड़ा आ चुका है। मेरे RX 3000 एम्पलीफायर है प्रोटॉन का, इसमें ये कुछ बड़ा पड़ रहा है, तो इसमें आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं और नीचे की तरफ भी आप इसको गैप देकर सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा नीचे की तरफ भी इसे सेट कर सकते हैं, तो आपको ऊपर की तरफ थोड़ी गैप मिल जाएगी और आपको ये काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसमें सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने एम्पलीफायर को डालने के बाद आप अपने फ्लाइट केस को खड़ा कर लेंगे। खड़ा करने के बाद आप देख पा रहे हैं फ्रंट ऊपर दिख रहा है, और यहाँ पर आपको नट शोर हो रही है। अगर नट शोर नहीं हो रही है, तो आप इस एम्पलीफायर को थोड़ा सा हिलाकर अपनी जो नट जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, उसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, और नट आप यहीं पर डालेंगे, पेचकस से एक बार सेट कर लेंगे, और उसके बाद आपको एक नट को यहाँ पर कसना है। बोल्ट नीचे देखा था आपने, उस बोल्ट में ही आपको कसना है, क्योंकि बोल्ट आपको दोनों तरफ मिलेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो उसमें आपको इसे कसना रहेगा। आप कसें उस समय ध्यान रखें, पूरा जोर लगा कर ना कसें। एक बार जब आपके चारों नट और बोल्ट मिल जाते हैं हल्का हल्का कसने के बाद, उसके बाद ही आप इसे पूरा प्रेस से टाइट करें। तो यहाँ पर मैंने अभी उसे लूज़ रखा है, और यहाँ मैं दूसरी लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड में बड़े आराम से इसको कस लेंगे। और अगर आपको लगता है ये फिट बराबर नहीं हुआ है, तो आप इसे फिर से अपने ज़रूरत के अनुसार फिर से कस लेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा लूज़ कस आ रहा है, और इसमें मुझे नट नहीं मिल पा रही है नीचे, तो ये मेरे जो बोल्ट है वो बराबर नट और बोल्ट मैच नहीं हुए हैं, तो ये यहाँ पर लूज शो हो रहा है। तो इसको आपको फिर से खोलना होगा और आपको पूरा मैच कराना होगा। अगर आप इसे मैच नहीं कराएंगे और इसे लूज ही छोड़ देंगे, तो आपके एम्पलीफायर गिरने की संभावना रहेगी, और आपको एम्पलीफायर डैमेज भी हो सकता है, और आपको चोट भी लग सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो नट और बोल्ट है उसे बराबर मैच करना होगा। अगर आपको ये बराबर मैच नहीं होते, तो आपको फिर से इसे खोलकर फिर से आपको नट और बोल्ट दोनों बराबर कसने होंगे। तो इसमें आपको ये ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा फिट नहीं हुआ है। तो आप इस पेचकस की सहायता से, या आपके पास कोई निकली चीज़ हो, जैसे सुई हो या और भी कोई आपके पास तीखी चीज़ हो, उससे आप अपने नट को ढूंढ लेंगे, और उसके बाद आप बोल्ट को इसमें डालने के बाद
बराबर इसमें कसेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा और इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। आप बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे ही कस के छोड़ देंगे तो हो सकता है ये आपके पैरों पर भी गिर सकता है एम्पलीफायर, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो चार नट है वो चारों नट आपको केयरफुली कसनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, वरना आप देखेंगे दो नट भी मैं इसे टिका देता हूँ तो एम्पलीफायर में काफ़ी वजन होता है और वो आपको जब आप नहीं हो या लेबर आपके वर्क कर रही हो तो वो एम्पलीफायर को अगर गलत तरीके से तोड़ लेंगे तो एम्पलीफायर गिरकर नीचे गिर जाएगा तो उसमें चोट लगने की संभावना रहेगी। तो आपको इसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और आप अपने नट को बहुत आसानी से लगा लेंगे, लेकिन आपको बोल्ट जो लगाते हैं नट के अंदर वो आपको पूरा मैच करके ही लगाना है। अगर आपके नट और बोल्ट लूज रहते हैं तो आपको बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहेगी, क्योंकि फ्लाइट केस जितनी आपको सेफ्टी देता है उतना ही आपको नुकसान भी दे सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको जो चारों नट है वो बराबर बिल्कुल एक्यूरेट कसनी है, और आप चाहते हैं एम्पलीफायर में मैं ऊपर और नीचे दोनों की तरफ इसे लगाऊं तो आप इसमें भी ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एम्पलीफायर को सेट किया है तो आप ऊपर की तरफ आपको आधा इंच की गैप मिल रही है। अगर आप चाहते हैं नीचे की तरफ आधे इंच की गैप मिले तो भी वो आप कर सकते हैं। जब तक आपके चारों नट बराबर नहीं कसाएगी तब तक आपको इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। और आप अपने एम्पलीफायर को फ्लाइट केस में कसने के बाद अपने जो एम्पलीफायर की वो सेफ्टी कर सकते हैं और आपको कहीं भी एम्पलीफायर को लाने ले जाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने कहीं भी पहुंचाना चाहते हैं फ्लाइट केस के द्वारा अपने इस एम्पलीफायर को, तो आप काफ़ी आसानी से पहुंचा पाएंगे। और जो आपको लोग दिए हैं उनको आपको पूरा केयरफुली कसना है, और यानी फिट करने के बाद आप यहाँ पर इसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आसानी से ये कस जाता है और आपको काफ़ी सेफ्टी मिल जाती है इससे। तो फ्लाइट केस के द्वारा आप अपने एम्पलीफायर और स्पीकर को जो होते हैं उन्हें काफ़ी सेफ्टी दे सकते हैं और आपको लाने ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्लाइट केस के द्वारा आपको काफ़ी सुविधा मिल जाती है। और आपको इसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहीं भेज रहे हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप इस लॉक को बराबर लगाएंगे जिससे आपके वायर या केबल रखी हुई है तो वो आपकी सिक्योर पड़ी रहेगी। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहे तो आप हमारे इस चैनल देख पाएंगे जिससे आपको अलग अलग कैटेगरी काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।